तो आज की इस वीडियो के माध्यम से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा में पीजी एडमिशन से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से जो न्यूज नहीं दे पाए थे, काफ़ी सारे छात्रों ने पूछा है, तो सभी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे कि इस वीडियो में जानेंगे कि पीजी में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ऑनलाइन आवेदन में फ़ी क्या लगेगा, और पीजी का पूरा कोर्स करने में 2 साल का ये कोर्स होता है, ये 2 साल का कोर्स करने में टोटल फ़ी क्या लगने वाला है, और अन्य सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर तो एडमिशन की बात होगी, तो पार्ट 3 वाले छात्रों का, कुछ स्टूडेंट का, जैसे कि बीए वाले स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है, उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। इसकी तिथि जारी होते ही हम आप सभी छात्र को अपडेट कर देंगे। जी में नामांकन के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन चार्ज वहाँ पर आपको 700 रुपये लिए जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का एक सिलेक्शन लेटर जारी किया जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से, और इस बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यानी मेरिट के आधार पे आप लोग का नामांकन होगा। जैसे कि ऑनर्स पेपर में, जिस भी ऑनर्स से आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए, और टोटल ऑनर्स में 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए पार्ट 3 के रिजल्ट में। इसके बाद आपको सब्सिडरी पेपर में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, वैसे बताया जाता है 55% मार्क्स होना ज़रूरी है सब्सिडरी पेपर में, लेकिन अगर आपका 55% भी मार्क है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो इस बार एडमिशन कैसे होगा, तो एंट्रेंस के आधार पे नहीं होगा, यानी मेरिट के आधार पे लिया जाएगा, यानी आपका परसेंटेज के हिसाब से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, उसके बाद सिलेक्शन लेटर जारी किया जाएगा। उस सिलेक्शन लेटर में जिस भी स्टूडेंट का नाम आएगा, उसके बाद कॉलेज आपको एक लिस्ट जारी करेगा कॉलेज वाइज कॉलेज। अब आप लोग का कॉलेज बाय कॉलेज लिस्ट जारी होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के अनुसार जिन भी छात्रों का नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, तो वो छात्र उस कॉलेज में जाके नामांकन लेंगे। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ये 2 साल का जो डिग्री होता है पीजी, जिसमें आप एमए, एमएससी या एमकॉम कर सकते हैं, तो ये करने में टोटल खर्च आप लोग को कितना आएगा। वैसे दोस्तों, कॉलेज यहाँ पे बताता है कि आप लोग का जो एडमिशन है एमए में हो या एमएससी हो या एमकॉम हो, 5,000 रुपये 1 साल का लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग 15,000 के अंदर 2 साल का ये जो कोर्स है पीजी, ये आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग के ऑनलाइन आवेदन चार्ज हुए, इसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरना और एग्ज़ाम देना, तो ये कुल मिला के आप लोग को 1 साल में लगभग 5,000 रुपये आसपास खर्च आएंगे। हमने आपको बताया 15,000 के अंदर आप लोग पीजी कर सकते हैं। चलिए, अब बात रहे कि पीजी जो कीजिएगा तो उसमें कितना मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि बैचलर डिग्री का जो रिजल्ट आएगा उसमें 45% मार्क्स होना ज़रूरी है ऑनर्स पेपर में, साथ ही आप लोग के सब्सिडी पेपर में 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जानिए कि पीजी का जो कोर्स है वो कितने कॉलेज में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने कॉलेज हैं जिसमें आप लोग का पीजी का एडमिशन लिया जाता है। तो देखिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक कॉलेज है, इसके बाद सीएम कॉलेज दरभंगा, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, एमआर महिला कॉलेज दरभंगा, और इसके बाद समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, आरबी कॉलेज दलसिंहसराय समस्तीपुर, इसके बाद जीडी कॉलेज बेगूसराय, इसके बाद आरके कॉलेज मधुबनी, और इसके बाद इस बार लगभग 2-3 कॉलेज बढ़े हैं जिसमें आप लोग को पीजी में पढ़ाई की इसकी मान्यता दे दी गई है। जैसे कि समस्तीपुर के बीआरबी कॉलेज हुए, और अन्य काफ़ी कॉलेजों को यहाँ पे इस बार मान्यता दी गई है कि वो कॉलेज में आप लोग पीजी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब बात रही कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट रहेगा, ये कैसे पता करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कुछ पिछले बार जो आप लोग का सीट था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस बार का जो सीट होगा कुछ बढ़ेगा, क्योंकि कॉलेज बढ़ा है तो सीट स्वाभाविक है कि बढ़ेगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स में लगभग पिछले बार 522 सीट थी, केमिस्ट्री की बात करें तो 504 सीट, जूलॉजी की बात करें तो 504 सीट, और म्यूजिक एंड ड्रामा का 120 सीट, AIH का 360 सीट था, इसके बाद संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए 360 सीट था, इसके बाद ज्योग्राफी के लिए 240, सोशोलॉजी के लिए 240 सीट था, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए 960 सीट था यूनिवर्सिटी में, इससे आप लोग एडमिशन करा सकते थे। इकोनॉमिक्स के लिए 960
इसके से आप लोग 360 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते थे। इसके बाद फिजिक्स से 504 सीट था, बोटनी से 504 सीट, कॉमर्स से लगभग 1080 सीट था, इसके बाद होम साइंस से 120 सीट, साइकोलॉजी से 720 सीट, फिलोसफी से 360 सीट, उर्दू से 480 सीट और इंग्लिश से 840 सीट और हिंदी से 840 सीट थे पिछले बार। तो इस बार हो सकता है तो आप लोग को विषय यानी ऑनर्स, जिस भी ऑनर्स से आप लोग इस बार पीजी करना चाहते हैं तो उसमें कुछ सीट बढ़ाई जाएगी और इस बार कुछ ज़्यादा स्टूडेंट पीजी कर सकते हैं। तो हमने बताया कि आप लोग का जो इंट्रेंस नहीं लिया जाएगा, मेरिट के आधार पर ले लिया जाएगा, जिन छात्रों का अच्छा रिजल्ट होगा उनका पहले सिलेक्शन कर लिया जाएगा और जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और इसके बाद हमने बताया था कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो जैसे कि हमने बताया था 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन का फाइनल एडमिट कार्ड और इसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए, ईमेल आईडी जो कि एक्टिव होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ दो फोटो और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें पूछ रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं और इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। आप चाहे तो CSE या वसुधा केंद्र से बना सकते हैं या आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आपको आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, या दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे विजिट कीजिए और सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आपका एक सिग्नेचर लगने वाला है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आप लोग अपना नामांकन इस बार ले सकते हैं। तो इससे जुड़ी अभी भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। और जो भी छात्र जानना चाहते थे कि पीजी करने में टोटल खर्च कितना आएगा तो हमने आपको बता दिया है, लगभग आपको 15,000 से लेकर और 20,000 के बीच में आप लोग पीजी कर सकते हैं। वैसे आपका कॉलेज जो चार्ज करता है वो 5,000 रुपये चार्ज करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी समस्या है या कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, समय मिलते ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए ताकि पीजी से रिलेटेड जो भी जानकारी हो मैं आप सभी छात्रों को दे पाऊँ।